अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा तो वहाँ पर जाके आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से जाके भी आप लोग इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 2 में जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, सबसे पहले हम लोग उनको देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें क्लीन स्टार क्लियर होगा, उसके बाद प्लस ऑपरेशन हम लोग देखेंगे, रिकर्सिव डेफिनेशन को हम लोग कवर करेंगे, इंटीजर, इवन, फैक्टोरियल, पैलिंड्रोम और जितने भी ये टॉपिक्स हैं वन बाय वन करके हम लोग इन सबको देखेंगे। सो गाइस, चले हैं आज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्लीन स्टार क्लियर। सो गाइस, सबसे पहले हमारे पास उन्होंने गिवन सिग्मा में दिया हुआ है और उन्होंने कहा है देन द क्लीन स्टार क्लियर ऑफ द अल्फाबेट सिग्मा। तो यहाँ पे अल्फाबेट सिग्मा जो हमारे पास है, इसका क्लीन स्टार क्लियर कैसे बनेगा कि हम लोग इस सिग्मा के ऊपर एक स्टेरिक ऐड कर देंगे। क्लीन स्टार क्लियर को डिनोट करने के लिए सिग्मा जो कि हमारे पास अल्फाबेट है उसके ऊपर हम लोग स्टेरिक लगाएंगे, तो ये चीज़ जो है वो क्लीन स्टार क्लियर को शो करेगी। और अगेन इन्होंने यहाँ पे मज़ीद लिखा है इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा इंक्लूडेड नल। तो उन्होंने क्या कहा है कि सिग्मा से जनरेट होने वाली जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं ये उनका कलेक्शन है, और उस उन स्ट्रिंग के साथ हम लोग नल वैल्यू भी जो है वो ऐड करेंगे। तो बेसिकली इस चीज़ को क्लीन स्टार क्लियर कहते हैं। इस चीज़ का मज़ीद जो है वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट नीचे एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। और नीचे हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट क्लीन स्टार क्लियर कैन बी डिफाइंड ओवर एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे यही कहा है कि किसी भी सेट ऑफ स्ट्रिंग पे जो है वो हम लोग क्लीन स्टार क्लियर उसे अप्लाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गाइस एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोगों का मजीद जो है वो क्लीन स्टार क्लियर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्फ़ाबेट उन्होंने दिया है कि इफ़ सिग्मा इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्फ़ाबेट ये उन्होंने दिया हुआ है, इसमें हमारे पास जो लेटर है जस्ट एक लेटर उन्होंने दिया है एक्स। देन अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए कि इस अल्फ़ाबेट का ये जो हमें उन्होंने दिया हुआ है या किसी और अल्फ़ाबेट का आप लोग क्लीन स्टार क्लियर जो है वो फाइंड करें, तो बहुत ही आसान तरीका है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहला जो इसका रूल है वो आप लोगों ने क्या करना है कि सिग्मा के ऊपर स्टेरिक लगाना है। ये लगा दिया, उसके बाद इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, इससे जनरेट होने वाली जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं एक्स डबल एक्स है, थ्री टाइम एक्स, फोर टाइम एक्स एंड सो फोर्थ। तो इसमें इसके साथ उन्होंने क्या कहा था कि इंक्लूडिंग नल वैल्यू, कलेक्शन है ऑफ ऑल स्ट्रिंग का जो कि डिफाइंड की हुई है ओवर द सिग्मा, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। ये वाली जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स है जो कि हमारे इस अल्फ़ाबेट से जनरेट हो रही हैं। इसके बाद अगेन उन्होंने कहा था कि इसमें नल वैल्यू भी हम लोगों ने ज़रूर ऐड करनी है, तो ये चीज़ सबसे पहले हम लोग लगाएंगे, उसके बाद जितनी भी स्ट्रिंग्स इस अल्फ़ाबेट से जनरेट होंगी वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, और उसके बाद डॉटेड लगा देंगे कि ये जो है एंड सो ऑन ये चल रही है आगे। इसके बाद अगेन इसका मज़ीद कंसेप्ट क्लियर एग्जाम्पल नंबर 2 में हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास उन्होंने हमें एक अल्फ़ाबेट दिया है, उसमें हमारे पास दो लेटर दिए हैं उन्होंने, क्या कहते हैं सैम्पल 0 और 1। इसका भी सेम वही प्रोसीजर है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सिग्मा के ऊपर स्टेरिक ऐड करेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट हो गई हैं, अब इसमें हम लोग नल वैल्यू इंक्लूड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों ने वो ऐड कर दी। इसके बाद ये हमारे पास अल्फ़ाबेट जो उन्होंने हमें दिया है, इससे जनरेट होने वाली जितनी भी स्ट्रिंग या कौन कौन सी जो स्ट्रिंग है वो जनरेट कर सकता है, 0 1 कर दिए, एक 0001 भी है, 0 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, और एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है हम लोगों ने इसका क्लीन स्टार क्लियर जो है वो फाइंड कर लिया है। बेसिकली जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि सिग्मा के ऊपर स्टेरिक ऐड करना है, जितनी भी सेटिंग जनरेट हो रही हैं वो आप लोगों ने लिखनी है, और उसके साथ नल वैल्यू ऐड कर देनी है, इसी को हम लोग जो है वो क्लीन स्टार क्लियर कहते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम ना हो। सो हमारे पास सिग्मा है यहाँ पे, इसमें इस अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हमारे पास हैं वो है डबल ए बी, एक ही है और एक सी है। सो इसका भी वही तरीके का आ रहा है कि सबसे पहले इस सिग्मा के ऊपर स्टेरिक ऐड किया, उसके बाद नल वैल्यू जो कि क्लीन स्टार क्लियर में हम लोगों ने मस्ट ऐड करनी होती है वो ऐड करेंगे, और उसके बाद एक स्ट्रिंग ये जनरेट होगी, एक सी होगी, उसके बाद ये 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स हो गया, सी भी, इसे भी 2 टाइम्स कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है कि इसे 2 टाइम कर लिया है फिर सी को कर लो इससे पहले, या
इसको एक दफ़ा कर लिया, ऐसे कर लिया, फिर पहले सी कर लिया, इसको कर लिया, मतलब जितनी भी स्ट्रिंग्स आप लोग जनरेट करेंगे वो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देनी है, और उससे पहले आप लोगों ने जस्ट ये नल जो है वो वैल्यू वो आप लोगों ने लगानी है। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास क्लीन स्टार क्लियर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। गाइज अब यहाँ पे नोट उन्होंने हमें लिखा हुआ है, लैंग्वेज जनरेटेड बाय क्लीन स्टार क्लियर ऑफ द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आर इन्फिनिट लैंग्वेज। तो बेसिकली इन्फिनिट क्यों है, जैसे कि मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था कि यहाँ पे ये देखें ये डॉटेड है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि मतलब इसमें जो इसकी क्वांटिटी है वो कितनी है, तो ये जो है वो यहाँ पे इन्फिनिट है। बाय इन्फिनिट लैंग्वेज इट इज़ सपोज डैट द लैंग्वेज कंटेन्स इन्फिनिट मैनी वर्ड्स। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं, ये नहीं पता है कि कितने इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी, क्योंकि ये डॉटेड है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे उन्होंने नोट में जस्ट लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। आई होप कि आप लोगों को इसका भी क्लियर हो गया होगा। सो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने अपना क्लीन स्टार क्लियर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद प्लस ऑपरेशन है हमारे पास, इसे हम लोग क्लीन प्लस ऑपरेशन भी कहते हैं और अकेला प्लस ऑपरेशन भी कह सकते हैं। ये हमारे पास ऊपर क्लीन स्टार क्लियर है, ये क्लीन प्लस ऑपरेशन है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत इजी है। प्लस ऑपरेशन इज़ द सेम एज क्लीन स्टार क्लियर एक्सेप्ट डैट इट डज नॉट जनरेट नल स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली। सो इसमें डिफरेंस क्या है कि हम लोग क्लीन स्टार क्लियर में जो भी हम लोग तरीक़ेकार करते थे सेम इसका वही प्रोसीजर है, जस्ट हम लोग स्टेरी की जगह प्लस ऐड करेंगे सिग्मा के ऊपर, और जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट होंगी वो हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे और उसके आगे डॉटर लगा देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो प्लस ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने क्या करना है कि जो ऊपर नल स्ट्रिंग हम लोग क्लीन स्टार क्लियर में ऐड करते थे अपनी स्ट्रिंग के साथ, वो हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। जस्ट हम लोगों ने जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट होंगी हमारे इस अल्फ़ाबेट जो कि हमारे पास 0 और 1 है, इसे जनरेट होने वाली स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर ऐड की, उसके बाद डॉटर लगा दिया कि ये 100 है। इसमें अगर आप लोग देखें तो मैंने यहाँ पे नल वैल्यू जो यहाँ पे मैंने ऐड की थी वो यहाँ पे ऐड नहीं है, और इसके अलावा सिग्मा के ऊपर स्टेरिक नहीं बल्कि प्लस मैंने जो है वो इसके ऊपर लगाया है। अगेन दूसरी एग्जांपल भी अगर आप लोग देखें तो इसमें भी सेम है, इसमें 2 हमारे पास जो है वो इस अल्फ़ाबेट में हमारे पास लेटर्स हैं, एक डबल ए बी है और दूसरा सी है। सो इसको इसका अगर हम लोगों ने प्लस ऑपरेशन फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोगों ने सिग्मा के ऊपर प्लस ऐड किया और उसके बाद इससे जनरेट होने वाली स्ट्रिंग, इससे स्ट्रिंग कौन सी जनरेट हो सकती हैं, एक वन टाइम एक दफ़ा तो ये आ सकती है, एक ये आ गई, 2 हो गई। अब इसे 2 दफ़ा और इसे भी हम लोग 2 दफ़ा लिख सकते हैं। अब पहले एक दफ़ा इसे लिख लिया और एक दफ़ा इसे, ये वाला डबल ए बी और इसके बाद सी लगा दिया, इसके बाद सी पहले ले लिया डबल ए बी बाद में, और इसके अलावा भी जितनी भी स्ट्रिंग इससे जनरेट होंगी वो भी इसमें ऐड हो सकती हैं। सो गाइज ये जो था वो हमारा प्लस ऑपरेशन था, प्लस ऑपरेशन और उसमें जस्ट इतना फ़र्क है क्लीन स्टार क्लियर में कि हम लोग क्लीन स्टार क्लियर में जो नल स्ट्रिंग है वो उसके साथ जनरेट करते हैं, लेकिन प्लस ऑपरेशन क्लीन जो है वो नल स्ट्रिंग है वो जनरेट नहीं करता, जस्ट इतना डिफरेंस है। तो आई होप कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब रिमार्क में जो है उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ टू बी नोटेड डैट क्लीन स्टार कैन ऑल्सो बी ऑपरेटेड ऑन एनी स्ट्रिंग। सो गाइज यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो क्लीन स्टार क्लियर जो है वो अल्फ़ाबेट के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं उसे, ये अल्फ़ाबेट है हमारे पास, इसके ऊपर हम लोगों ने क्लीन स्टार क्लियर लगाया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि क्लीन स्टार क्लियर जो है वो हम लोग किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोगों ने अल्फ़ाबेट के ऊपर कर दिया है तो किसी और चीज़ पर नहीं होगा, बल्कि हम लोग किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर भी क्लीन स्टार क्लियर जो है वो हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। सो इसकी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि ए स्टारिक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ए स्टारिक जनरेट्स एक तो नल वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लीन स्टार क्लियर है, क्लीन स्टार क्लियर में हमेशा आप लोगों ने नल वैल्यू सबसे पहले ऐड करनी है, अगर नहीं ऐड करेंगे तो फिर प्लस ऑपरेशन और क्लीन स्टार क्लियर में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। सो ये कौन सी स्ट्रिंग जो है वो जनरेट करेगा, एक ए वन टाइम आ गया, फिर 2 दफ़ा ये आ गया, 3 दफ़ा 4 दफ़ा लगा दें एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास जो है वो क्लीन स्टार क्लियर जो कि हम लोगों ने एक स्ट्रिंग जो कि हमारे पास ए स्टेरिक थी इसके ऊपर हम लोगों ने इसे ऑपरेट किया। इट मे आल्सो बी नोटेड डैट ए प्लस, तो यहाँ पे हम लोग प्लस ऑपरेशन क्लीन प्लस ऑपरेशन कैन बी कंसीडर टू बी ऑल पॉसिबल नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लस ऑपरेशन है इसके ऊपर भी हम लोग इसे एड इम्पोज कर सकते हैं, लाइक ये भी वही चीज़ें जनरेट कर रहा है, ए डबल ए ट्रिपल ए 4 टाइम ए
और फिफ्थ टाइम जो भी आप लोगों ने करना है। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लस ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स आर यूज इन रिकर्सिव डेफिनेशन। सो गाइज रिकर्सिव डेफिनेशन जो हमारे पास हैं उसमें तीन स्टेप्स यूज होंगे। तो गाइज जैसे आप लोगों ने इसका एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि वो कौन से तीन स्टेप्स हैं। बहुत ही ईजी है, मैं आप लोगों को तीन चार एग्जाम्पल भी करके दिखा देता हूँ और बाकी जो है वो आप लोगों ने खुद देख लेनी है। सो ये ज़्यादातर पेपरों में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो है वो एक दफ़ा रिमाइंड करवा देता हूँ, एक दफ़ा इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा। सो ऐसी चीज़ें जो है पेपर में बहुत कम आती हैं। सो गाइज इसमें जो तीन स्टेप्स यूज़ होंगे, सो सबसे पहले नंबर पे जो हमारा स्टेप है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सम बेसिक वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज जो कि हम लोग डिफाइन करेंगे, उस लैंग्वेज में हम लोग एक बेसिक वर्ड जो है वो भी स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद सेकेंड नंबर पे जो है वो ये है कि रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड्स। हमारे पास जो लैंग्वेज होगी उससे हम लोगों ने और वर्ड्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग उसके लिए कुछ रूल्स होंगे कि हम लोग अगर उस लैंग्वेज के साथ कोई और वर्ड भी ऐड करना है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। ये हमारे पास जो है वो बेसिकली दूसरा है। इसके बाद थर्ड नंबर पे ये हमारे पास जो दोनों रूल्स हैं, इन दोनों को अगर फॉलो नहीं किया गया तो हम लोग उसे मतलब कि वो लैंग्वेज रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज जो है वो नहीं होगी। सो इसमें बेसिकली नो स्टटरिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन लैंग्वेज। तो अगर इनके अलावा कोई और स्टटरिंग हुई तो हम लोग उसे जो है वो लैंग्वेज में अलाउ नहीं करेंगे। सो बेसिकली ये तीन स्टेप्स थे। इसकी बेहतर समझ अब आप लोगों को आएगी जब मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा दूंगा। सो एग्जाम्पल नंबर वन हमारे पास यहाँ पे है डिफाइनिंग लैंग्वेज ऑफ इंटीजर। स्टेप वन हम लोगों ने क्या करना है कि सम बेसिक वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज। तो हम लोगों ने एक बेसिक वर्ड जो है वो वन यहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिफाई किया कि वन इज इन इंटीजर। तो एक जो है वो एक इंटीजर है। इसके बाद स्टेप टू रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड्स। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो मोर वर्ड्स कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, इसके लिए रूल होगा, रूल के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। सो इफ एक्स इज इन इंटीजर, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर एक्स जो है वो इंटीजर में है देन एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन आर आल्सो इन इंटीजर। तो अगर हमारे पास एक्स है इंटीजर में तो उसमें अगर हम लोग वन ऐड कर देंगे या फिर वन माइनस कर देंगे तो वो भी इंटीजर में क्या कहते हैं उसे उस लैंग्वेज में अलाउ होगा। सो वो भी इंटीजर ही होगा कि बिलफर्ज करके हमारे पास कोई भी इंटीजर ये वन ले लें या फिर एक्स ले लें, इसमें हम लोगों ने वन ऐड कर दिया या वन माइनस कर दिया, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इंटीजर में ऐड होंगी। सो इसके अलावा स्टेप नंबर थ्री वही है कि नो स्टटरिंग, वो सारा कॉपी करके सेम वही हम लोगों ने लिख देना है, नो स्टटरिंग्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन अ टीजर। जैसे हम लोगों ने लैंग्वेज की जगह इंटीजर लिखा है बाकी सेम सारा वैसे लिख दिया है कि अगर इन दोनों रूल्स को ये जो ऊपर स्टेप्स दिए गए हैं इनको अगर कोई स्टटरिंग फॉलो नहीं करेगी तो वो इसमें हमारी लैंग्वेज जो इंटीजर है इसमें ऐड नहीं हो सकती। इसके बाद इवन एक और लैंग्वेज जो एग्जाम्पल है वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो सो गाइज मेरा यहाँ पे जो है वो यही मकसद है कि मैं आप लोगों को शॉर्ट लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करूँ। अगर आप लोगों ने मतलब कि लंबे लेक्चर सुने हैं तो फिर तो यूनिवर्सिटी के भी लेक्चर्स इतने ज़्यादा लंबे बोरिंग है। सो जस्ट मेरा मकसद यहाँ पे जो लेक्चर बनाने का यही है कि मैं इसे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रखूँ ताकि जो लोग जॉब करते हैं स्पेशली स्टूडेंट्स वो अपना जो है वो कम टाइम में अपनी इसकी तैयारी कर सकें। सो जस्ट मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल जो है वो करवाने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्योंकि ये जस्ट एग्जाम्पल्स रह गई हैं बाकी हम लोगों ने अपना लेक्चर जो है वो ख़त्म कर लिया है, तो इस एग्जाम्पल के बाद हम लोग इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। सो गाइज यहाँ पे आप लोगों ने हमारे पास जो एग्जाम्पल टू है उसमें उन्होंने कहा कि डिफाइनिंग लैंग्वेज ऑफ इवन, ऊपर हम लोगों ने इंटीजर का किया था अब हम लोग इवन। सो स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सम बेसिक वर्ड्स स्पेसिफाई करेंगे। सो बेसिक वर्ड हम लोगों ने को क्या किया ऐड, टू, टू इज इन इवन। तो आप लोगों को भी पता है कि टू इवन है, टू की जगह आप लोग फोर लिख दें, सिक्स लिख दें, ये सारे जो है वो इवन में आ सकते हैं। सो अब स्टेप नंबर टू है कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड्स, उसके लिए रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं कि इफ एक्स इज इन इवन देन एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू आर आल्सो इवन। तो इसकी जगह हम अगर हम लोग टू ले रहे हैं तो टू प्लस टू या फिर टू माइनस टू आर आल्सो इवन। सो अगर हम लोग दो लें इस रूल्स को जो है मैं आप लोगों को बेहतर एक्स की जगह टू जो है वो अगर हम लोग पुट करें, इफ टू इज इन इवन, अगर दो जो है उन्होंने कहा कि इवन है देन एक्स प्लस टू, टू प्लस टू विल आल्सो बी इन इवन। तो दो और दो चार जो कि वो भी इवन है और
दो दो माइनस दो वो भी इवन ही हमारा काउंट करेगा। सो इसके अलावा उन्होंने कहा है कि स्टेप नंबर थ्री नो सेम वही हम लोग कॉपी पेस्ट करके, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो थ्री रूल था, नो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन लैंग्वेज, लैंग्वेज की जगह हम लोगों ने जस्ट क्या करना है कि इवन लिख देना है। सो यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ें तो सेम ये है जैसे हम लोगों ने सबसे लास्ट में इवन ऐड कर दिया है। सो गाइज ऐसे ही ये जितने भी एग्जांपल्स हैं आप लोगों ने वैसे कर लेनी है, जस्ट आप लोगों ने एक दफ़ा इन्हें देख लेना है कि इसका तरीकेकार आप लोगों को आना चाहिए जो कि मैंने ऊपर बता दिया है। सो यहाँ पे हमारा जो है वो लेक्चर नंबर टू भी ख़त्म हो जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर थ्री करेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है वो ये लेक्चर नंबर टू हम लोगों ने किया है। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ जितने भी आपके क्लास फेलो हैं या जितने भी दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि जो है वो मुझे खुशी होगी कि जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियोस देखेंगे और वो इससे जो है वो फ़ायदा उठाएंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।